नोज ब्लीडिंग होती है तो क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका जो नोज ब्लीडिंग है, आपने जाने अनजाने में, या तो आपको हो सकता है, घर में किसी को हो सकता है आप बाहर भी हैं, सो नोज ब्लीडिंग अगर किसी को है तो हम उसका मैनेजमेंट दो तरीके से सीख सकते हैं। वन इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट, इमीडिएट इमरजेंसी, कि आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। नंबर दो, जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी है या जहाँ पे उस पेशेंट को हम मेडिकल फैसिलिटी तक ले जा सकते हैं। सो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर नोज ब्लीडिंग होती है तो क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कभी भी किसी को नोज ब्लीडिंग होती है तो आप सब लोग क्या करते हैं, उसको लिटा देते हैं, लेट जाओ। उससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वो बाहर ब्लीडिंग आपको दिखती नहीं है एंड यू आर हैप्पी कि अब नोज ब्लीडिंग रुक गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो नोज ब्लीडिंग तो अभी भी लगातार आ रही है और वो नोज के थ्रू जो है वो गले में जा रही है और थोड़ी देर बाद आपके स्टमक में जाती है। अब होता क्या है, हमारे जो स्टमक होता है उसमें एसिडिक मीडियम होता है एंड जो हमारा ये जो ब्लड होता है ये बैस होता है, तो वहाँ गैस्ट्राइटिस होती है एंड थोड़ी देर बाद आपको वोमिट होती है। अब क्या हुआ, और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, अरे खून की उल्टियाँ भी हो गई, थोड़ी देर तो नाक से ही खून आ रहा था, खून की उल्टी आ गई एंड जहाँ आराम आने के बजाय और पैनिक हो गया। सो क्या नहीं करना है दोस्तों, कभी भी किसी पेशेंट की नोज ब्लीडिंग हो तो उसको क्या है, लिटाना नहीं चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अगर किसी का नोज ब्लीडिंग है तो दोस्तों, सबसे पहले उसको यूँ आगे उसके सिर को यूँ झुकाना है, नंबर वन, वाष्प बेसन में सिर को झुकाना है एंड उसका नोज आप अगर वो नहीं पकड़ पा रहा तो उसको यहाँ से पिंच कर लो आप, कम से कम 10 मिनट तक। दोस्तों, 70% पेशेंट के अंदर आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुक रही है तो फिर एक बार और करो, अगर फिर भी नहीं रुक रही है फिर एक बार, कम से कम 3 बार करोगे तो दोस्तों इस कदर तो उसकी ब्लीडिंग रुक जानी है कि वो कम से कम हम मेडिकल हेल्प के लिए जा सकता है, बट उसको लेटाना नहीं है। एंड अगर फिर भी नहीं रुक रही है दोस्तों, सो आप अंदर कॉटन डाल के या उसको नोज को आप छोड़ो मत, बस आप उसको पिंच रखो एंड आप जो है पेशेंट को जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ हम ले जाते हैं एंड वहाँ पे आगे उसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, अब बात स्टार्ट होती है कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे पेशेंट क्या है कि किसी ENT सर्जन के पास पहुँच गया जहाँ पे सारी साधन सुविधाएं हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी सुविधा है कि जहाँ से नोज की ब्लीडिंग हो रही है हम एक टेलीस्कोप डालते एंड मॉनिटर पे हमें ये पता लग जाता है कि देखो यहाँ से ब्लीडिंग आ रही है। सो दोस्तों, उसका ट्रीटमेंट जो है एक्यूरेट ट्रीटमेंट होता है, उसमें जहाँ से वो ब्लीडिंग आ रही है वहाँ उसको एक एंडोस्कोपिक, उसको कॉटराइजेशन बोलते हैं, कि उस जगह को क्या सील कर दिया जाता है। लेकिन वो किसको जरूरत होती है, जब टप 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 जब कंटिन्यू नोज से ब्लीडिंग हो रही होती है। बहुत बार दोस्तों, जहाँ ये सुविधा नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, नोज के अंदर पैकिंग डाल दी जाती है, मेरोसिल डाल दी जाती है, बोट्रोक्लोट ड्रॉप डलाए जाते हैं। दोस्तों, इन सब से क्या है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है एंड आप सोचो ब्लाइंडली किसी की नोज के अंदर पैकिंग डाल दो तो वो ट्रॉमेटिक है। इसलिए अगर किसी को नोज की ब्लीडिंग है तो एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन इज द लेटेस्ट मोस्ट एडवांस वे जिससे हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नाक के अंदर कोई पैकिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बाहर से कोई चीर फाड़ टाका पट्टी दर्द निशान नहीं होता, पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं होती, हाथों हाथ डिस्चार्ज कर सकता है और वो अपने काम पे भी लौट सकता है। सो दोस्तों, देखा कितना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यू कैन शेयर जस्ट क्विकली टू योर फ्रेंड एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस नोज ब्लीडिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।